नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ एक बार फिर से आपका प्लैनेट्स एंड हाउसेज में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो जोड़ियक से आने वाले सभी दोस्तों के लिए वर्ष 2019 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी लाइफ के सभी एरियाज़ के बारे में, चाहे वह आपकी फैमिली लाइफ है या मैरिड लाइफ है या आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वह आपका स्टडी है, करियर है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ या बिजनेस है। हम इन सभी एरियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाकर डालने वाला हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ऐसा करने से आपको मेरे सभी नए वीडियोज़ का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पर वर्ष 2019 की शुरुआत में आपकी कुंडली कैसी दिखेगी, इस पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं वर्ष 2019 की शुरुआत में आपकी कुंडली कैसी दिखने वाली है। दोस्तों, 2019 की शुरुआत धनु राशि में शनि, वृश्चिक राशि में गुरु से होगी और 6 मार्च को राहु मिथुन राशि और केतु धनु राशि में होंगे। 29 मार्च को बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश करके 23 अप्रैल को वापस वृश्चिक राशि में आ जाएंगे और एक बार फिर से बृहस्पति 5 नवंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे और शनि भी 30 अप्रैल से 18 सितंबर तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे, मतलब डायरेक्ट हो जाएंगे। और राहु 7 मार्च से अष्टम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु द्वितीय भाव में धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फ्रेंड्स, आपने 2018 में काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, चाहे वह आपकी फैमिली की ज़रूरत थी या आपकी कोई भी पर्सनल नीड, पर वर्ष 2019 जो है वह आपको इन सभी चीज़ों में काफ़ी बड़ी राहत देने वाला है। बस आपको थोड़ा सा अपने खर्चों को नियंत्रण में भी रखने की ज़रूरत है, वरना आपके ऊपर वापस से ही उतना लोन और EMI का दबाव आ सकता है। फ्रेंड्स, जॉब चेंज करने के नज़रिए से वर्ष 2019 इतना विशेष तो नहीं है, पर हाँ, ये आपके लिए नई लर्निंग का स्कोप जरूर लेकर आया है। यदि आप अपने स्किल सेट को इन्हेंस करना चाहते हैं या किसी भी तरह की नई लर्निंग लेना चाहते हैं जो आपके करियर या बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो वर्ष 2019 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और हाँ, यदि इस वर्ष आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं, चाहे वह हिंदी भाषा है या इंग्लिश भाषा या कोई अन्य भाषा, तो उसके हिसाब से भी वर्ष 2019 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फ्रेंड्स, विवाह और प्रेम संबंध के हिसाब से वर्ष 2019 काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और यदि आप बैचलर हैं तो शादी की तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, क्योंकि गुरु और शुक्र की सीधी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर है। और यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा या फिर विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। परंतु एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि जो शनि है वह अप्रैल से सितंबर तक वक्री रहने वाले हैं, तो हो सकता है कि यह आपकी यात्रा में किसी तरह का डिले करें या किसी तरह की अड़चन दें। तो इसलिए आपका जो भी प्लान है उसे सोच समझ कर बनाएं। फ्रेंड्स, इस वर्ष आपको अपने माता पिता के सेहत का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके हिसाब से आपके माता पिता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि नाभि से निचले वाले हिस्से में यानी कि कमर में दर्द हो सकता है, स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर घुटनों में थोड़ा सा पेन या किसी अन्य तरह का विकार हो सकता है। तो समय रहते हुए उनका मेडिकल चेकअप जरूर करा लें, वरना यह आपको किसी बड़े खर्चे में भी डाल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए वर्ष 2019 विशेष रहने वाला है। 2018 में आपने थोड़ी सी निराशा महसूस की होगी, पर 2019 में आप उतनी ही ऊर्जा महसूस करने वाले हैं। बस आप अपना फोकस और अपनी लगन इसी तरीके से अपनी स्टडी में बनाए रखें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बच्चों की स्टडी को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके प्रथम भाव में बैठे हैं जो पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर मंगल भी हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा बच्चों की स्टडी को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाएं, पर मेरी आपसे सिर्फ यही सलाह है कि बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज ना करें। आपको ज़रूरत है अपने गुरु तत्व को यूज़ करने की, आपके अंदर जो कन्विंसिंग पावर है उसे यूज़ करें और अपने बच्चों की साइकोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, ताकि वह पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सकें। फ्रेंड्स, 7 मार्च से राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं मिथुन राशि में, जो आपसे उलझुल खर्चे करवाने वाले हैं।
तो कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार उसकी ज़रूरत को ज़रूर देखें। शौक़ पूरे करना बहुत ज़रूरी है, मगर उन्हें कर्जा लेकर बिल्कुल भी पूरा ना करें। क्रेडिट कार्ड की EMI से बचें, और कोई भी चीज़ अगर आप EMI पर प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वह EMI बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए ना हो। फ्रेंड्स, राहु 7 मार्च से आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उसकी वजह से यह आपको आपके परिवार में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न दे सकता है, और यह आपको कुछ ऐसे खर्चे भी करवा सकता है कि जो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें और क्रेडिट कार्ड की EMI से विशेष बचें। कुल मिलाकर वर्ष 2019 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि EMI पर चीज़ें सिर्फ तभी खरीदें जब वह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और क्रेडिट कार्ड के यूसेज से तो आपको बिल्कुल बचना है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ यदि आपका कोई सुझाव है तो मेरे साथ वो शेयर ज़रूर करें ताकि मैं अपने आने वाले सभी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। और हाँ, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। इससे आने वाले सभी वीडियोस का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।